नमस्कार, जय जगन्नाथ। आजिर प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी पश्चिम ओडिशार ये नूतन भारत पर नूतन शिक्षा अभियान उद्घाटन समारोह मंच उपस्थित थिबा भारतर परम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महाशया, ओडिशार आदरणीय राज्यपाल माननीय श्री रघुवर दास महोदय, मंच उपरे उपस्थित थिबा ओडिशा सरकारंकर आदरणीय मंत्री श्रीमती टुकुनी साहू, ए अंचलर विधानसभार सदस्य आदरणीय श्री नावरी नायक महाशय, परम आदरणीय माउंट आबुरु आसीथिबा राजयोगिनी आदरणीय बीके सिलुजी, राजयोगिनी बीके पार्वतीजी, डॉक्टर बीके लीना, आदरणीय बीना दीदी जी, नाथमल जी, ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा ओडिशार पूर्वतन राज्यसभा सदस्य आदरणीय प्रमिला बहिदार महाशया, पूर्वतन विधायिका ए अंचल सुनामधन्य चिकित्सिका डॉक्टर राजेश्वरी पाणिग्राही महाशया, जिला परिषदर अध्यक्ष आदरणीय कुमुदिनी नायक महाशया, सारे उड़ीसा से तथा प्रदेश की बाहर से आए हुए सभी परम आदरणीय अतिथि अभ्यागत महानुभवगण, इस आध्यात्मिक चेतना में जुड़े हुए सभी भाई और बहनों, प्रशासन की सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार मित्रगण, ये मेरा सौभाग्य है आप सभी को हमारी प्रांत ओडिशा के अनन्य सांस्कृतिक केंद्र माँ समलेश्वरी की पीठ संबलपुर में स्वागत करने का आपने अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं भारत सरकार की ओर से दूसरे कारण से भी आभारी हूँ, आपने एक प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आपकी संगठन का नाम ही तो विश्वविद्यालय है, निरंतर शिक्षा समाज में जारी रखने का 24/7 365 डेज ये सब आधुनिक जार्गन है, उसी में आपके संगठन के नाम से ही आपने इस संस्कार के काम को करते आए हो। और आज न्यू इंडिया न्यू एजुकेशन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो परम आदरणीय सिलू दीदी जी ने उल्लेख कर रहे थे, कब भारत की भारत सोने की चिड़िया थी, अभी लंबे समय की पराधीनता के कारण हमारी जो विस्मृति आई उसे आगे ले जाने की पथे आप करते आए हो। और आज आपकी राष्ट्रीय कैंपेनिंग संबलपुर से शुरू होने के लिए मैं दूसरे कारण से शिक्षा विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूं। और परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, तो आपकी एक प्रकार से वार्ता वाहिका है, आपकी अनुजाई है, आपकी लाभार्थी है, लाभार्थी आपके अमूर्त विचार के हैं, आपके चिंतन की है जो मूल भारतीयता के साथ जुड़ी हुई है। भाई और बहनों, मैं आज की इस कार्यक्रम में इतना ही कहना उचित मानता हूं, देश में आज 3 से 23 साल की उम्र में, मैं आगे की बात नहीं कह रहा हूं, आबादी की बाकी हिस्सों के बारे में नहीं कह रहा हूं, जिनके बारे में मेरे को नीति बनाने की दायित्व है, 3 से 23 साल के अंदर भारत में 50 करोड़ नागरिक हैं, 140 करोड़ में 50 करोड़ उन्हीं में से हैं। आज चुनौती यह है, हम मनुष्य बनाएंगे या मशीन बनाएंगे, आज AI चाहिए ना HI चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए ना ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, उसी की एक ही सूत्र है आध्यात्मिकता के साथ जो आप करते आए हो। आपकी इस कैंपेनिंग के मूल आधार भारत को 21वीं सदी में 2047 तक विकसित बनानी है, भारत से दारिद्रता को मूलोत्पाटन करना है, भारत में समानता लानी है, भारत को भव्य बनाना है, एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो शिक्षा। और आप उस काम पे जुड़े हो और मैं आभारी हूं, आपने भारत को जोड़ा, भारतीयता भारत की आध्यात्मिक जगत की अनन्य हिस्सा है, आप उस काम को बखूबी
आगे करोगे, इसी अपेक्षा के साथ पुनः दोनों महानुभव को, विशेष करके परम आदरणीय राष्ट्रपति जी को, जो आध्यात्मिकता की एक जीती जागती विद्यार्थिनी है, एक अभ्यासु है, मैं उनकी निकट में उनको, मैं बहुत सालों से उनको जानता हूं, गंभीर और गहराई दो कभी कभी अलग चीज होती है, लेकिन परम तपस्या चर आप लोगों की मार्गदर्शन से गंभीरता और गहराई के साथ एक मूर्तिमंत प्रतीक है। मैं आपको आज हमारे बीच में पा के हम सौभाग्यशाली है। ऐसे ही हमारा परम आदरणीय राज्यपाल महोदय पहली बार उड़ीसा के इस हिस्से में आए हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूं। आप सभी महानुभवों को शुभेच्छा देता हूं इस अभियान की सफलता के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।